चलो, तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में हमने। चैप्टर 3 जो है हमारा पेपर 2 के अंदर, वो कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होगा, और जो सीएस जॉब में जाएगा, जॉब में जाने के बाद उसके ड्यूटीज और फंक्शन क्या होंगे वो पढ़े थे हमने। अगला टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। देखो, लास्ट क्लास में हमने कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग पढ़ा था। देखो, मीनिंग था अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। जो पर्सन आईसीएसआई इंस्टीट्यूशन का मेंबर है उसे हम बोल देते हैं कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। और सीएस बन जाने के बाद, सीएस बन जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। तुम एक इधर आ जाओ, तुम में से चार मत बैठो। सीएस बन जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, जॉब और प्रैक्टिस। देखो, जैसे ही आप सीएस बन जाते हो तो आप आईसीएसआई में क्या बन जाते हो, मेंबर। तो आईसीएसआई आपको एक नंबर देगा, उसे बोलते हैं मेंबरशिप नंबर। जैसे आप सीएस बन जाओगे ना, इसका मतलब आप आईसीएसआई इंस्टीट्यूशन के मेंबर बन गए हो। क्या प्रूफ है कि हम मेंबर बन गए हैं? तो हमारे पास जो डिग्री आएगी सीएस की, उसमें एक नंबर लिखा होगा, उसे बोलते हैं मेंबरशिप नंबर। जैसे मैंने बताया था आपको, मेरा मेंबरशिप नंबर है 49690, ये मेरा मेंबरशिप नंबर है, ठीक है। अच्छा, जो लोग जॉब करते हैं सीएस बनने के बाद, उनको ये मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर आपको शो करना पड़ता है जॉब के लिए। जब भी आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करोगे तो ये मेंबरशिप नंबर प्रूफ के तौर पर आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो, अगर आप अपना ऑफिस खोलते हो सीएस बनने के बाद, तो आपको एक नंबर और लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीओपी। मतलब ऐसे मेंबर जो सीएस बन गए हैं और आईसीएसआई के मेंबर बन गए हैं, अगर उनको अपना ऑफिस खोलना है तो सिर्फ मेंबरशिप नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको एक नंबर और लेना पड़ेगा। अब ये नंबर कहाँ से लेंगे हम? हमारा जो इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, वही हमको ये नंबर इशू करता है, और इसको बोलते हैं सीओपी नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर। जब तक आपके पास ये सीओपी नंबर नहीं होगा, आप अपना ऑफिस नहीं खोल सकते, ठीक है। आप खुद का अपना ऑफिस खोल के किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये नंबर नहीं होगा। तो सीएस बन जाने के बाद आपको दो तरह के नंबर मिलते हैं। ये नंबर सबके पास होगा, मेंबरशिप नंबर तो मेंबर बनने का हो गया ना, चाहे आप जॉब करो चाहे आप ऑफिस खोलो, ये नंबर सबके पास होगा। पर सीओपी नंबर सिर्फ किसके पास होगा? जो प्रैक्टिस में आएगा। जॉब करने वाले सीएस को ये नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक दे रखा है उसी चीज के ऊपर कि अगर हम सीएस बन जाने के बाद प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या कुछ काम कर सकते हैं, वो सब यहाँ बताया हुआ है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कौन होता है? मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ये कह रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कौन होगा? हर वो कंपनी सेक्रेटरी, हर वो सीएस जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, उसे हम क्या बोल देंगे? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अब ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कौन कर सकता है? ऐसा पर्सन जो मेंबर है, किसका मेंबर है? आईसीएसआई का,
वो प्रैक्टिस में आ सकता है। चाहे तो आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाओ, चाहे पार्टनरशिप में, वो भी आपकी मर्जी है। मतलब आपने अकेले ने अपना ऑफिस खोल लिया, ये भी चलेगा। आपने किसी दूसरे सीएस के साथ मिल करके अपनी पार्टनरशिप के तौर पे ऑफिस खोल लिया, ये भी पॉसिबल है। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा ना, सीए जो होते हैं उनके ऑफिस होते हैं, तो अकेला सीए भी ऑफिस खोल सकता है, या कुछ सीए मिल करके भी ऑफिस। अब कुछ सीए मिलके ऑफिस खोलेंगे तो वो पार्टनरशिप में बन जाएगी ना, तो वैसे ही हमारे लिए भी अलाउड है। तो कह रहे हैं सीएस बन जाने के बाद अगर आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हो तो इंडिविजुअली भी ऑफिस खोल सकते हो, मतलब अकेले। इंडिविजुअली में इन्वेस्टमेंट सारी आपकी होगी, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सारा आपका होगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो कुछ सीएस मिल करके भी एक ऑफिस खोल सकते हैं। अब मान लो 3 सीएस है, 3 सीएस मिलके ऑफिस खोलेंगे तो वो पार्टनरशिप बन जाएगी, और जो भी इन्वेस्टमेंट होगी तीनों मिलके करेंगे, प्रॉफिट लॉस रेशो होगा वो भी क्या होगा तीनों में, हाँ इक्वल कर लो, या मर्जी आपके कोई और रेशो डिसाइड करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सीएस में अगर आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गए हो तो क्या फ्री में काम करोगे या क्लाइंट से कुछ फीस चार्ज करोगे? फीस तो लोगे ना क्लाइंट से, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई सीएस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा तो वो जब भी किसी को सर्विस देगा तो बदले में उससे रेमुनरेशन चार्ज करेगा, जिसको हम फीस बोल देते हैं। आगे लिखा हुआ है, एंगेजेस हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ सीएस टू और इन रिलेशन टू एनी कंपनी। ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस में आ गए हो तो आप एज अ सीएस किसी कंपनी को अपनी सर्विस दे सकते हो। अब मान लो मैं सीएस इन प्रैक्टिस हूँ, आपकी एक कंपनी है, आपका मुझसे कुछ सर्विस चाहिए या आपको कंपनी बनवानी है, आप मेरे पास आए कंपनी बनवाने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे लूंगा और कंपनी बना के दे दूंगा आपको। इसका मतलब मैंने सर्विस दे दी ना आपको, और बदले में फीस चार्ज कर लूंगा जो बनती होगी मेरी। ऑफर टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मिंग, इनकॉर्पोरेशन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिओर्गनाइजेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। ये कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग सीएस, जो सीएस अपना ऑफिस खोल रहा है, ये जिसने अपना ऑफिस खोल रखा है, वो क्या कर सकता है? वो नई कंपनी बना सकता है, कंपनीज का आपस में मर्जर करवा सकता है, या कंपनी को बंद भी कर सकता है। मान लो आपने कंपनी ओपन की थी, जब ओपन करवाई थी उस टाइम सारा काम मेरे से करवाया था, तो मतलब मैंने कंपनी बना के दी आपको। अच्छा, कुछ टाइम आपने कंपनी के फॉर्म में काम कर लिया, अब कंपनी आपको बंद करनी है, तो आपने दोबारा मुझे बोला कि जो कंपनी आपने बनाई थी वो बंद कर दो, तो मैं बंद करने का सारा काम हैंडल करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि आप जिससे कंपनी ओपन करवाओ बनवाओ उसी से ही बंद करवाओ, आप किसी और से भी बंद करवा सकते हो, मर्जी आपकी है। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और कंपनी का वाइंड अप सेम सीएस करे कोई जरूरी नहीं है। आप इनकॉर्पोरेशन मेरे से करवा लो, वाइंड अप किसी और से करवा लो, मर्जी आपकी है, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि एक सीएस जो होता है, जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है, वो ए और बी में जो लिखा है ये काम तो करेगा, उसके अलावा जो यहाँ पे सारे काम लिखे हैं ये काम भी वो करता है, ठीक है। होल्ड हिमसेल्फ आउट टू द पब्लिक एज सीएस इन प्रैक्टिस। ये कह रहे हैं जो पर्सन सीएस बनने के बाद अपनी फर्म ओपन करेगा उसको हम सीएस इन प्रैक्टिस बोलेंगे पब्लिक के अंदर। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग सीएस प्रोफेशनल सर्विस देता है। अच्छा, मान लो आप सीएस बनने के बाद जो सर्विस दोगे दोगे पब्लिक को, क्या वो सर्विस कोई आम इंसान भी दे सकता है? तो उसको नॉलेज नहीं है और डिग्री भी नहीं है उसके पास। अगर मान लो हम सीएस बनने के बाद प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, और जो सर्विस हम दे रहे हैं वो मान लो कोई इलिटरेट पर्सन भी दे रहा है, फिर हम में उसमें फर्क क्या हुआ? फिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो सीएस बनने के बाद आप जो सर्विस देते हो प्रैक्टिस में आने के बाद, वो प्रोफेशनल सर्विस है, वो हर एक पर्सन नहीं दे पाएगा। जो सीएस है, जिसके पास डिग्री है, उसी के पास राइट है वो सर्विस देने का, और किसी को नॉलेज भी नहीं होगी सर्विस देने की। अब जैसे आपने सीएस में भी एडमिशन लिया है, आप सीएस पूरी क्लियर कर दोगे तो आप पढ़ाई के दौरान समझोगे एक कंपनी कैसे बनती है, कंपनी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ते हैं, वो सब समझोगे आप कैसे कंपनी बनती है। तो क्या वो एक नॉर्मल बंदा समझ पाएगा कंपनी कैसे बनानी है? उसे पता ही नहीं कंपनी कैसे बनती है। जो चीज़ की पढ़ाई आपने कर रखी है, जो चीज़ आप कोर्स कर रहे हो, उसकी नॉलेज सिर्फ आपको है, तो आपके जो सर्विस होती है वो स्पेशल काइंड की सर्विस है, जो हर एक आम इंसान
नहीं दे सकता, ठीक है। या फिर लिखा हुआ है एक सीएस ई तक के अलावा कोई और सर्विस भी दे सकता है जो देने के लिए वो एलिजिबल होगा। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैव बीन ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूडिंग आरबीआई, सेबी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईआरडीए, सीसीआई, रेरा, स्टॉक एक्सचेंज टू एक्ट एज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लो एक कंपनी है हमारी, ठीक है, मैं कंपनी का सीएस हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ, सॉरी, एक कंपनी है आपकी। अब हर एक कंपनी के अंदर सीएस होना जरूरी नहीं है, ये हमने कल डिस्कस भी किया था। प्राइवेट कंपनी के लिए कंपनी के जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ और मोर होनी चाहिए, तब उस कंपनी में होल टाइम सीएस आएगा। उससे कम कैपिटल है तो प्राइवेट कंपनी में सीएस की नीड नहीं है। अब आपके एक प्राइवेट कंपनी है मान लो, ठीक है, और कंपनी के जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो सिर्फ 50 लाख रुपए है, तो क्या आपको सीएस रखना जरूरी है? नहीं है ना जरूरी। तो प्रैक्टिसिंग सीएस से तो काम करवाओगे ना, थोड़ा बहुत जो करवाओगे। कंपनी में जॉब वाला सीएस जरूरी नहीं है आपको, पर जिस सीएस ने अपना ऑफिस खोल रखा है आप उससे थोड़ा बहुत काम करवा लोगे जो करवाना होगा आपको। अब मान लो मैं प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ, ठीक है, आपकी कंपनी पे कोई केस वगैरह हो गया, तो कह रहे हैं कि जो सीएस इन प्रैक्टिस होगा वो कंपनी के बिहाफ पे इन अथॉरिटीज के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब इनमें से किसी भी अथॉरिटी में जाना है तो आप मुझे भेज सकते हो कंपनी की जगह पे। कंपनी का डायरेक्टर जाने को तैयार नहीं है, तो मैं प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ, आपने मुझे हायर कर लिया कि आप हमारे बिहाफ पे हमारा केस लड़ो, तो इनमें से किसी भी अथॉरिटी में जाना है तो मैं जा सकता हूँ कंपनी की जगह पे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये अथॉरिटीज के नाम याद रखने हैं आपको कि कौन कौन सी अथॉरिटीज ऐसी है जिनके अंदर एक प्रैक्टिसिंग सीएस कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। कंपनी को रिप्रेजेंट करना मतलब कंपनी की जगह पे वहां पे जाना। इसमें आरबीआई, सेबी, एनसीएलटी की फुल फॉर्म, नेशनल कंपनी, क्या होता है ये, ठीक है, और एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये क्या होगा? हाँ एनसीएलटी में केस पेंडिंग पड़ा है, एनसीएलटी ने कोई केस सॉल्व किया और हम सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर से, तो अपील कर सकते हैं हम। देखो अपीलेट का मतलब अपील करना, तो एनसीएलटी वो अथॉरिटी है जहां आप अपील कर सकते हो किसके खिलाफ, एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ, ये लिखा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी हो गया, ये रेरा जो है ये इसमें काम करती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। जो लोग बिल्डिंग वगैरह बेचते हैं बना के, फ्लैट वगैरह बना के बेचते हैं, उनके लिए दे रखा है ये। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं एक प्रैक्टिसिंग सीएस कौन कौन सी सर्विस देता है उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले बोल रहे हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्विसेज। कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्विस के अंदर एक प्रैक्टिसिंग सीएस एक कंपनी को गाइड करता है कि आपके ऊपर कौन कौन से कानून अप्लाई होते हैं और उनको कैसे कैसे फॉलो करना है, ये लिखा हुआ है। तो एक प्रैक्टिसिंग सीएस जो होगा वो एक कंपनी को कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्विस देता है। इस सर्विस के अंदर प्रैक्टिसिंग सीएस कंपनी को गाइड करेगा कि कंपनी के ऊपर कितने कानून अप्लाई होते हैं और उन कानून में क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी है वो सारा बताएगा, ये सर्विस इसमें आएगी। दूसरा लिखा हुआ है कॉरपोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज। एक प्रैक्टिसिंग सीएस ये सर्विस भी कंपनी को देता है। अब इस सर्विस में वो क्या करेगा, नई कंपनी बनाएगा, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, तो कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग सीएस नई कंपनी बनाने वाला काम करता है। दूसरा फाइलिंग, कंपनी
रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म्स रिटर्न्स एंड एप्लीकेशंस बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब मान लो कंपनी को कुछ फॉर्म वगैरह फाइल करने हैं, ठीक है, आपकी कंपनी है, मान लो आपको कोई फॉर्म वगैरह ROC में फाइल करने हैं, और कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि फॉर्म के ऊपर प्रैक्टिसिंग CS के साइन करवाने क्या है जरूरी है, तो आप वो फॉर्म मेरे को दोगे, मैं अपने साइन करूंगा और फिर ROC के अंदर वो फॉर्म भेज देंगे, फाइल कर देंगे। तो कह रहे हैं बहुत सारे फॉर्म्स रिटर्न्स और एप्लीकेशन पे भी साइन करता है कौन, प्रैक्टिसिंग CS, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व जो CS है, उसके बाद वो फॉर्म कहाँ फाइल होते हैं, हाँ या किसी और अथॉरिटी के पास फाइल करने, तो वहाँ भी फाइल कर सकते हो आप। मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स स्टैचुटरी बुक्स एंड रजिस्टर्स। एक प्रैक्टिसिंग CS जो होता है वो कंपनी के मेन मेन सारे डॉक्यूमेंट क्या करेगा, मेन डॉक्यूमेंट बनाएगा और उनको संभाल के रखेगा। अब जैसे मान लो कंपनी है आपकी, कंपनी में CS नहीं है, पर आपको ये भी नहीं पता कि कंपनी के लिए कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट है जो बनने जरूरी है, कौन कौन से मेन रजिस्टर बनने चाहिए, तो आपने, मैं प्रैक्टिसिंग CS हूँ, आपने मुझसे डिस्कस किया और ये काम आपने मुझे दे दिया, आपने मुझे क्या बोला कि हमारी कंपनी के पूरे साल के जो मेन मेन डॉक्यूमेंट है वो आप बनाओ और बना के आप रखो, ठीक है, बना के हमको दे दो, उसके बदले आपको हम एक साल की जितनी फीस बनती है वो दे देंगे। तो पूरे साल के जो भी मेन मेन डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे कंपनी के मैं बनाऊंगा, उसका रिकॉर्ड मेरे पास भी रहेगा और आपके पास भी रहेगा, ताकि कल को मान लो ROC में से कोई इंस्पेक्टर आके चेक करना चाहे कि हम डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, तो उनको दिखा सके, वरना पेनल्टी आ जाएगी ना हमारे ऊपर, तो आपने ये काम मुझसे करवा लिया तो ये सर्विस मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, अरेंजिंग बोर्ड और जनरल मीटिंग एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स देरो, ये हमने कल पढ़ा भी था। कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है, AGM होती है, EGM होती है, वो सारी कौन अरेंज करवाएगा, तो मीटिंग होने से पहले और मीटिंग के दौरान और मीटिंग होने के बाद भी ये सारा काम जो संभालना है मीटिंग का, वो CS को संभालना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन ने कंपनी के शेयर वगैरह ट्रांसफ़र किए हैं, मान लो आपके पास किसी कंपनी के शेयर है, आपने वो शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करने होते हैं ROC में, वो भी आप CS से काम करवा सकते हो, तो ये सारे काम भी एक CS कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे लिख, इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्रेटेरियल ऑडिट, इसका मीनिंग पहले वो ऑडिट ऑफ कंप्लायंसेस। Of provisions of various laws applicable. On a company is called secretarial audit. Audit of compliances of provisions of various laws applicable on a company is called secretarial audit. नोट कर लिया। अब देखो, आप मान लो एक कंपनी बनाते हो, ठीक है, हम सब ने मिलकर कंपनी बनाई, क्या एक कंपनी के ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 ही अप्लाई होता है, या और कोई एक्ट और कोई कानून अप्लाई हो सकता है? इनकम टैक्स एक्ट हो गया, अब कंपनी है, पैसा कमाएगी तो टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है।
अच्छा क्या पता जीएसटी भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। अच्छा उसके अलावा मान लो हमारी कंपनी बैंक है, बैंक की फॉर्म में काम कर रही है, तो बैंक का जो एक्ट होगा वो भी अप्लाई हो जाएगा। हमारी कंपनी मान लो इंश्योरेंस वाला काम कर रही है, तो इंश्योरेंस का जो एक्ट है वो भी क्या होगा, हमारे ऊपर अप्लाई होगा। क्या पता हमारी कंपनी लिस्टेड हो, तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर सेबी के रेगुलेशंस भी क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो एक कंपनी के ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट अप्लाई हो को जरूरी नहीं है, अदर वेरियस बहुत सारे लॉज होते हैं जो कंपनी पे अप्लाई। अब जितने भी कानून एक कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगे उनको पूरा साल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब कंपनी है आपकी, कंपनी में आपके कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है, ठीक है। अब ऐसा हो भी सकता है कि उसने पूरा साल सारे कानून क्या किए हों, फॉलो किए हों, तो कंपनी पेनल्टी से बच जाएगी। या क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि पूरा साल हमने सारे कानून फॉलो, बस अब है तो हम ह्यूमन बींग ना, कंपनी सेक्रेटरी भी तो ह्यूमन बींग है, गलती तो उससे भी हो सकती है, भूल गए कुछ बातों को फॉलो करना। अब जैसे हमने डिस्कस भी किया था, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है 1 साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, हम 3 ही कर पाए, भूल के चौथी करना, तो गलती तो हमसे भी हो सकती है, तो वो नॉन कंप्लायंस बन गई बोर्ड मीटिंग की। 3 तो कर लिया आपने, चौथी नहीं की ना, उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। भूल गए तो वो गलती हमारी है, लो थोड़ा बोलेगा उस केस में कि भूल गए तो चलो पेनल्टी छोड़ देते हैं आपकी, वो पेनल्टी लेगा आपसे। अब हमने क्या किया, हमारे कंपनी के सीएस ने ये शो कर दिया कि हमने सारी कंप्लाइंसेस फॉलो की है, पर जबकि आपने बोर्ड मीटिंग 3 ही कर रखी है, एक पेंडिंग पड़ी है, और आपने झूठ बोल दिया। तो ऐसे केस में कंपनी की सेक्रेटेरियल ऑडिट होती है, सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए कौन आएगा, एक प्रैक्टिसिंग सीएस आएगा, बाहर से एक सीएस कंपनी में आएगा। जो सीएस कंपनी में आएगा ऑडिट करने के लिए वो ऑफिस वाला होगा, उसने अपना ऑफिस ओपन कर रखा होगा, और वो कंपनी में क्या करने के लिए आएगा, वो कंपनी में आके चेक करेगा कि क्या कंपनी ने पूरा साल जितने भी लोग कंपनी पे एप्लीकेबल थे उनको फॉलो किया या फिर नहीं किया। तो जहां जहां कमियां आएंगी वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा पूरी ऑडिट के दौरान, जहां जहां कमियां लगेंगी वो सारी नोट डाउन कर लेगा कि ये चीजें फॉलो कंपनी में नहीं हुई है, और जो फॉलो हुई है उनके बारे में भी लिखेगा, ये चीज फॉलो हो गई और ये फॉलो नहीं हुई है, तो वो रिपोर्ट तैयार करेगा पूरी की पूरी। उस रिपोर्ट से हम समझ पाएंगे कंपनी ने कितने लोग फॉलो किए और कितने फॉलो, उसको बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। तो सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर जो बाहर से प्रैक्टिसिंग सीएस आएगा वो ऑडिट करता है वेरियस लॉज जो कंपनी पे अप्लाई थे उनकी उनकी चेकिंग करेगा कि क्या सारे लोग कंपनी ने फॉलो किए थे या कुछ छोड़ दिए, या क्या पता कंपनी भूल गई हो फॉलो करना, उसको बोल रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये ऑडिट कौन कौन सी कंपनियों करवानी होती है, तो ये ऑडिट हर एक कंपनियों करवाने की जरूरत नहीं है, एक लिमिट दे रखी है आपके लिए। सबसे पहले सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसका, सेक्शन 204, सेक्रेटेरियल ऑडिट, ऑडिट का जो सेक्शन है 204 वो इंपॉर्टेंट है। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज और मोर, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ रुपीज और मोर, और एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पीएफआईज ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर, शैल अनेक्स विद दिस बोर्ड रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 अ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और फॉर्मेट का फॉर्म है MR3। इसको मैं चार्ट की फॉर्म में लिखवा देता हूँ, आपको नोट करो आप। सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये ऑडिट 3 तरह की कंपनीज दे रखी है जिनको करवानी पड़ती है, एवरी लिस्टेड कंपनी,
एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 50 करोड़ और मोर और टर्नओवर रुपीज 3 लिमिट है। नोट कर लिया। अब देखो समझो, सबसे पहले बोल रहे हैं लिस्टेड कंपनी को ये ऑडिट करवानी पड़ेगी, इनके लिए कोई लिमिट नहीं चेक करनी, ना तो कैपिटल चेक करनी है और ना ही टर्नओवर चेक करना है, ना ही लोन चेक करना है। कंपनी लिस्टेड है तो ऑडिट करवानी क्या है, जरूरी है। उसके अलावा बात करो एवरी पब्लिक कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी पब्लिक कंपनी कौन सी आएगी, लिस्टेड या अनलिस्टेड। लिस्टेड तो पहले वाले में आ गई ना, तो यहाँ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। तो कह रहे हैं एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, उसको भी ये ऑडिट करवानी पड़ सकती है। कब, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, अगर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ऊपर चली गई है तो, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के टर्नओवर कितनी हो गई है एक साल के अंदर 250 करोड़ या फिर उससे ऊपर हो गई है, तो उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी ये ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा बोल रहा है एवरी कंपनी, अब इसमें कौन सी कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक या प्राइवेट की, कोई भी। एवरी कंपनी लिखा हुआ मतलब हर एक कंपनी, चाहे ओपीसी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे पब्लिक कंपनी है। अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिया हुआ है और लोन की अमाउंट कितनी है और ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मान लो हमारी कंपनी है, हमारी प्राइवेट कंपनी है, हमने किसी बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया था, ठीक है, 150 का पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग कितना है, तो करवानी पड़ेगी ऑडिट, नहीं करवानी, बिकॉज आउटस्टैंडिंग देखना है आपको कितना है, लोन कितने का लिया था वो मतलब नहीं है, कितना पेंडिंग पड़ा है पे करना उससे मतलब है। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 200 का लोन लिया था, 200 करोड़ का, ठीक है, अभी 20 करोड़ वापस करा है हमने, 180 का पेंडिंग पड़ा है वापस करना, करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो लोन कितने का लिया वो मैटर नहीं है, कितना बकाया पड़ा है देना वो मैटर करता है। तो इन तीन में से कोई भी कंडीशन कंपनी पूरी कर देगी तो सेक्शन 204 में जो ऑडिट है वो करवाने की आपको नीड पड़ जाएगी, ठीक है। अब ये ऑडिट करने के लिए कौन आएगा, कौन सा कंपनी सेक्रेटरी, हाँ पीसीएस ये ऑडिट करेगा। अच्छा, ऑडिट करने के बाद ये पीसीएस एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ऑडिट करने के दौरान ये रिपोर्ट तैयार करेगा, वो रिपोर्ट कौन से फॉर्म में तैयार की जाएगी, MR3,
MR3 जो है वो इस ऑडिट के रिपोर्ट का फॉर्म हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो रिपोर्ट बनती है वो कौन से फॉर्म में बनती है, बताओ। हाँ, तो MR3 में बनेगी वो रिपोर्ट। उसके बाद ये चीज देखो, इसमें यहाँ पेनल्टी दे रखी है, इफ अ कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, तीन बंदों के ऊपर पेनल्टी आ रही है, कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऑफिसर के ऊपर या फिर किसके ऊपर, हाँ जिस PCS से आप ऑडिट करवाए थे उसने गलत ऑडिट कर दी, ठीक है ना। मान लो मैं PCS था, आपने मुझे अपॉइंट किया कि हमारी कंपनी की सेक्शन 204 वाली ऑडिट कर दो, और आप खुद मुझे बोल रहे हो कि गलत रिपोर्ट तैयार कर देना, आपको हम पैसे देंगे फालतू, और मैं आपकी बातों में आ गया, मैंने गलत रिपोर्ट तैयार कर दी और उसका पता लग गया अथॉरिटी को, तो फाइन मेरे पे आएगा नहीं आएगा। तो कह रहा है कि फाइन या पेनल्टी जो है वो कंपनी पे आ सकती है, या फिर कंपनी का जो ऑफिसर है उसके ऊपर आ सकती है, या फिर जिस PCS को आपने इन्वॉल्व किया था ऑडिट करवाने के लिए उसके ऊपर भी। अब ये कह रहे हैं कि ये पेनल्टी कब आएगी, अगर आपने कभी भी कॉन्ट्रावेन का मतलब ब्रेक करना, तोड़ देना, अगर आपने तोड़ दिया किसको, इस सेक्शन के रूल्स को, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे हम अभी, 204। तो कह रहे हैं कभी भी अगर ऐसा होता है कि कंपनी सेक्शन 204 को ब्रेक कर देती है, या कंपनी का ऑफिसर सेक्शन 204 को ब्रेक कर देता है, या जिस PCS को आपने इन्वॉल्व किया था उसने सेक्शन 204 का ब्रेक कर दिया, तो कह रहे हैं कंपनी, कंपनी का ऑफिसर या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, इनके ऊपर फाइन आएगा। फाइन कितना आएगा, नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए फाइन, बट विच में एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब मैक्सिमम 5 लाख रुपए। तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन आएगा। किन पे, किन पे, कंपनी पे, कंपनी के ऑफिसर पे और PCS पे, जिसने भी डिफॉल्ट किया होगा, जिसने भी इलीगल काम किया होगा, जिसने भी सेक्शन 204 का ब्रेक किया होगा उसके ऊपर फाइन आएगा। तीनों ने किया है तो तीनों पे आएगा, यानी दो ने किया है तो दोनों पे आएगा, और एक ने किया होगा तो एक पे आएगा। हाँ जी, वो भी हो जाएगी, क्या पता सस्पेंड हो, क्या पता कैंसिल हो, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। उसके अलावा ये काफी सारे एक्ट के नाम दे रखे हैं आपको, ये कह रहे हैं इन सभी एक्ट में एक CS काम कर सकता है, मतलब इन सभी एक्ट के रिगार्डिंग हमको नॉलेज होती है। पूरे CS के दौरान जो कोर्स चलेगा आपका, उस पूरे कोर्स के दौरान आप ये सारी बातें पढ़ लोगे, जितने भी ये 16 कानून दे रखे हैं ना आपको, इसके अंदर पूरी CS के दौरान आप इन सबको पढ़ लोगे अपने CS के कोर्स के अंदर। ये सारी डिटेल में आपके ऊपर आएंगे एग्जीक्यूटिव लेवल से, अगले लेवल से। CCET पास करने के बाद जब आप एग्जीक्यूटिव में हो जाओगे, वहां से आपके ऊपर ये सारे, मतलब इनमें से बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो पढ़ने स्टार्ट कर दोगे आप, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बात करें CS एग्जीक्यूटिव में, ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी मिल जाएगा आपको। ये सारे एक्ट एग्जीक्यूटिव में पढ़ने होते हैं आपको, किसी ना किसी पेपर के अंदर मिल जाएंगे आपको ये, किसी एक पेपर के अंदर, ठीक है। मर्जर अमलगमेशन, फॉरेन कोलेबोरेशन, सब्सिडरीज, कंपटीशन लॉ, इसमें से मोस्टली आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हो। IPR हो गया, रियल एस्टेट, आर्बिट्रेशन, ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, ये आपके फाइनल में आता है, जिसको आप प्रोफेशनल बोल देते हो। एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद जो तीसरा लेवल होगा, फाइनल लेवल, ये उसमें आएगा। बाकी सारे जितने भी ये एक्ट हैं 15 के 15, ये आप अगले लेवल पे पढ़ोगे CCET पास करने के बाद। आगे लिखा हुआ है कि एक CS एक कंपनी के बिहाफ पे कहाँ कहाँ जाके केस लड़ सकता है, ROC के सामने, RD के सामने, ये अथॉरिटीज के नाम लिखे हुए हैं, ये सारी अथॉरिटीज के नाम दे रखे हैं। इन सभी में जाके, इनमें से किसी एक में जाके आप कंपनी के बिहाफ पे केस लड़ सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं। अब जैसे मान लो एक कंपनी है आपकी, ठीक है, आपको बैंक से लोन चाहिए, तो आप बैंक में गए लोन मांगने के लिए, बैंक ने आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट बना के ले आओ, आपको लोन दे देंगे। अब वो डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं वो नहीं पता आपको। आप किसी प्रैक्टिसिंग सीएस के पास गए और जाके उनको बोलते हो कि हमें बैंक से लोन चाहिए और बैंक ने हमको ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए दिए हैं, तो आप हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार कर दो, जो फीस आपकी बनेगी आपको दे देंगे, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके देगा, वो डॉक्यूमेंट आप बैंक में दे दोगे, आपको लोन मिल जाएगा और आप उस पीसीएस की जो फीस बनती है वो पे कर दोगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो एक सीएस कंपनी के लिए तैयार करता है, तो वही डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है। ये कुछ भी याद नहीं करना आपको, बस जस्ट रीड करना है, करना चाहो तो, कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो एक सीएस कंपनी के लिए तैयार करता है, बना के देता है कंपनी को, इनको याद नहीं करना आपने। अच्छा, उसके अलावा एक टर्म दे रखी है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये किसी को पता है क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग? ये 12th क्लास में पढ़ी होगी आपने पहले। किसी को नहीं पता? पता है? एक कंपनी है हमारी, ठीक है, मैं कंपनी में सीएस हूँ, आप सब उसमें मेंबर हो। अच्छा, हमारी एक मीटिंग हुई कंपनी के अंदर, उस मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात कुछ डिस्कस हुई है मीटिंग के अंदर, और जैसे ही वो बात पब्लिक में आएगी, मान लो हमारी कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, हमारी कंपनी की उस मीटिंग में कोई एक बढ़िया डिसीजन लिया गया है, और जैसे ही वो न्यूज़ पब्लिक में आएगी, तो पब्लिक में न्यूज़ आने के बाद कंपनी का शेयर का प्राइस क्या होगा? मान लो आज कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, और हमने एक मीटिंग करी है, उस मीटिंग में हमने कंपनी के लिए एक बढ़िया डिसीजन लिया है, पर वो डिसीजन अभी तक हमारे बीच में है और किसी को नहीं पता, और वो डिसीजन आने वाले 2-4 दिन में पब्लिक में अनाउंस करने वाले हैं। तो जैसे ही उस न्यूज़ को हम पब्लिक में अनाउंस करेंगे, तो उससे कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और कंपनी का शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? और हमको ऐसी उम्मीद है कि एक शेयर 200 का हो जाएगा हमारा उस न्यूज़ की वजह से। अगर कंपनी की अच्छी न्यूज़ मार्केट में आती है तो कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है, कंपनी की कोई बेकार न्यूज़, कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती है तो शेयर क्या जाता है? डाउन जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हम सब मीटिंग के अंदर थे, मुझे वो बात पता है, आप सबको वो बात पता है, अभी तक वो बात पब्लिक में नहीं आई है, तो हमारा शेयर 100 ही रुपए का है, तो मैंने उस न्यूज़ के बेसिस पे आज ही कंपनी के शेयर परचेज कर लिए बहुत सारे, ये सोचते हुए कि जैसे ही न्यूज़ पब्लिक में आएगी आने वाले 2-4 दिन में, तो शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उस टाइम पे मैं शेयर बेच दूंगा, आज खरीद लेता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना उसके अंदर। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब मैंने कंपनी की इंटरनल न्यूज़ का इस्तेमाल किया पैसे कमाने के लिए। तो क्या वो न्यूज़ पब्लिक में आ गई? नहीं आई ना अभी तक। तो जब तक वो न्यूज़ पब्लिक में नहीं आती, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स में डील नहीं कर सकता। न्यूज़ पब्लिक में आने दो, उसके बाद डील करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है कि कोई ऐसी न्यूज़ जो अभी तक कंपनी के इंटरनल लेवल में एम्प्लॉयज को पता है, और उस न्यूज़ के बेसिस पे किसी एम्प्लॉय ने क्या कर लिया, शेयर में डीलिंग कर ली, और वो न्यूज़ अभी तक पब्लिक में नहीं आई है, तो ऐसे केस में उस एक्टिविटी को हम क्या बोल देते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा, मान लो वो न्यूज़ मेरे को पता थी, मैंने खुद ने शेयर परचेज नहीं किए, मुझे पता है कि इस एक्टिविटी को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, अगर मैं शेयर परचेज करूंगा तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। मैंने अपने दोस्त को बता दिया, अपने भाई को बता दिया कि आप फटाफट से कंपनी के शेयर ले लो, कंपनी की एक बढ़िया सी न्यूज़ मार्केट में आने वाली है, तो मैं खुद के नाम से शेयर लेता, मैं तो फंस जाता। तो मैंने खुद ने शेयर परचेज नहीं किए, मैंने किसको बोल दिया शेयर लेने के लिए? किसी जानकार को बोल दिया कि आप कंपनी के शेयर ले लो, थोड़े बहुत मेरे शेयर भी ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा आपको, और अपने भी ले लो, कंपनी के शेयर पक्का एक हफ्ते में बढ़ने वाले हैं। तो क्या ये बनेगी इनसाइडर ट्रेडिंग? ये भी बनेगी ना, तो खुद को परचेज करना है ना किसी और को राय देनी है, ठीक है। जब तक न्यूज़ पब्लिक में नहीं आती,
ना तो हम में से कोई खुद से शेयर परचेज कर सकता है और ना ही अपने किसी रिलेटिव को परचेज करने के लिए बोल सकता है। फादर को बोल दिया, मदर को बोल दिया, भाई बहन को बोल दिया कि आप शेयर ले लो, हम तो ले नहीं सकते, हम तो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, फंस जाएंगे, आप ले लो हमारी जगह शेयर। तो रिलेटिव हो गए ना आपके, तो वो भी नहीं खरीद सकते। जब तक न्यूज़ पब्लिक में नहीं आएगी तब तक, पब्लिक में न्यूज़ आ गई है, अब चेक खरीदो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रेट बढ़ गया ना, अब लोगे तो महंगे में लेना पड़ेगा शेयर आपको भी, ये चीज़ है। तो ऐसी एक्टिविटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होती है, ठीक है? तो इसके खिलाफ भी आप काम कर सकते हो, और पेनल्टी है इसकी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट के अंदर, अगर ऐसा काम करते हो ना आप, पेनल्टी मिलती है इसकी बहुत हैवी अमाउंट। चलो बस, बाकी फिर कल पढ़ते हैं, अभी छोड़ दो इसको। तो कल चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ही रहता है।